I request every citizen to go out, vote. This is the biggest movement of democracy, and in this biggest movement, I think everybody's vote is common, and in this vote, your power today will. Make the of the state for next Sir, एक तो दुष्यंत वोटिंग करने के के बाद प्रेस प्रेस सामने से मुखातिब होते हुए हालांकि ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि ऐसे मौके पर खासकर चुनाव के मौके पर जो नेता होते हैं वो अपने रीजनल डायलेक्ट में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं जिससे कि एक सीधा मैसेज एक सीधा संपर्क स्थापित अपने वोटर के साथ वो कर सके लेकिन दुष्यंत चौटाला ने हरियाणवी टोन में इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए किया हमारे साथ संदीप जी इस समय स्टूडियो में, में मौजूद हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और उनसे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पहले आपको बता दें हमारे कौन कौन से संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं रवीश रंजन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और पल्लव भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे सीधे हम रुख करेंगे सबसे पहले प्रशांत का प्रशांत आप रोहतक में मौजूद थे जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद थे वहाँ पर हुड्डा मतदान करने के लिए आने वाले थे क्या हुड्डा आ चुके हैं या अभी इंतजार हो रहा है नई अनंत जानकारी ये मिली है कि करीब पौने दस दस बजे के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी मतदान केंद्र पर जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं बूथ नंबर तेरह ये सामुदायिक केंद्र है उनका ये पैतृक गांव जहां पर हम मौजूद हैं सांगी रोहतक ज़िले में है और विधानसभा क्षेत्र गढ़ी संपला किलोई जहाँ से वो खुद उम्मीदवार हैं उसी के तहत ये मतदान केंद्र है और इसी मतदान केंद्र के बूथ नंबर तेरह पर वो मतदान करेंगे लेकिन करीब दस बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचेंगे और मतदान करेंगे अनंत आपसे मैंने एक घंटे पहले बात की थी उस वक्त यहाँ पर काफ़ी लोग थे मतदान की शुरुआत ही हुई थी लेकिन तब से फिर धीरे धीरे लोग ए के लोगों की संख्या कम हुई है हालांकि एक एक करके लोग जरूर आ रहे हैं और मैं आपसे ये भी कहने वाला था कि महिलाओं को मैंने काफ़ी कम संख्या में यहाँ देखा लेकिन देखिए यहां पर चार पांच महिला पहुंची हैं वोट डालने के लिए हमें बताया गया चूँकि गाँव में ऐसा होता है कि महिलाएँ अपने घम घर, घर का जो कामकाज है वो पूरा करके खाना वाना बना के और तब यहाँ पहुँच रही हैं तो कुछ लोग यहाँ पहुँचे देखिए एक और शख्स हमारे साथ पहुँचे पहले आप अपनी उंगली दिखाइए ये देखिए धीरे धीरे लोग पहुँच रहे हैं अनंत लगातार वोट डालने आप इसी गांव से हैं जी ये तो भूपेंद्र सिंह होड्डा साहब का गाँव है तो क्या उम्मीदें हैं उनसे आपको और क्या किस मुद्दे पर आप लोग वोट डाल रहे हैं उम्मीद तो सारी उन्नत है जी अच्छा और किस मुद्दे पर यहाँ गांव में क्या मुद्दे हैं अगर लोकल मुद्दे की बात करें लोकल मुद्दे तो जैसे अव्यवस्था है अच्छा। और जो सामूहिक काम है रोजगार का है आप तो हुड्डा साहब के गांव के हैं, तो उन्हीं की बात करेंगे आप तो ना क्यों करेंगे बताओ अच्छा। किसकी करनी है अच्छा। <laughs> नहीं नहीं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर दस सालों में किस तरह का काम हुआ है और किस तरह नहीं देखो जो एक हक था अपना हक तो दिया है सरकार ने लेकिन एक जो बढ़ चढ़ कर काम करेंगे वो तो हड्डा साहब कर सके ना अच्छा तो विपक्ष में तो विपक्ष के जैसा ही काम होगा और वैसे कोई ज्यादा पक्षपात तो है नहीं तो आप देखा धीरे धीरे आते हैं प्रशांत है। आपके पास हम सीधे रवि रंजन और पल्लव का भी यहाँ पर रुख करेंगे पहले मैं पल्लव के पास चला जाता हूँ पल्लव आप अपनी लोकेशन बताएं, आप कौन सी सीट पर हैं और वहां पर मतदान की क्या स्थिति है देखिए अनंत मैं गुरुग्राम के सेक्टर 15 में हूँ और यहाँ पे सुबह सात बजे से ही मतदान शुरू हो गया है आज शनिवार का दिन है तो छुट्टी का दिन है तो लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ मतदान करने आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह कि जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आ रही हैं और लगातार वो मतदान कर रही हैं तो जो अच्छी चीज़ दिख रही है कि जो आधी आबादी है वो इस लोकतंत्र के महापर में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और यहाँ पे देखिए मौसम भी अच्छा है बहुत धूप भी नहीं है तो लोगों को बहुत दिक्कत नहीं हुई मतदान करने पर और यहाँ पर सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतज़ाम है पैरामिलिट्री फोर्स है हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं तो सारी सुविधाएँ लोगों को दी जा रही है और जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए व्हील चेयर का की भी सुविधा दी जा रही है पानी पीने की इंतज़ाम है तो लोग यहाँ मतदान करने आ रहे हैं हालाँकि अभी एक घंटे के ऊपर का ही समय बीता है तो लोग धीरे धीरे ही आ रहे हैं लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान करने आ रहे हैं और यहाँ पर जो है अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अनंत जी पल्लव आपके पास आता हूँ और भी तमाम पहलू हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे लेकिन इस बीच हमारे साथ रवीश रंजन भी जुड़े हुए हैं रवीश आप कहाँ पर हैं और वहाँ पर क्या स्थिति है मैं अनंत फरीदाबाद में हूं दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और फरीदाबाद में अगर 2019 के चुनाव परिणामों की बात करें तो यहां पर छः विधानसभा हैं और छः में से पाँच पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी एक महत्वपूर्ण गढ़ है जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर वो भी यहीं से आते हैं और इस बार यहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी तगड़ा चुनाव प्रचार किया था योगी आदित्यनाथ से लेकर और हेमा मालनी और तमाम सारे जो नेताओं को यहाँ पर चुनाव प्रचार में उतारा था तो एक अच्छा यहाँ पर मुकाबला है फरीदाबाद में आप देख सकते हैं एक शहरी सीट है तो हरियाणा में मैंने देखा है आनंद की जो ग्रामीण मुद्दे हैं और शहर के मुद्दे वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं पैटर्न बिल्कुल अलग अलग होता है तो ये चूंकि शहरी क्षेत्र है कुछ लोगों से बात करेंगे देखिए सुबह का वक्त है सारे लोग आ गए हैं अंकल कहाँ से आप आए हैं मैं वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद से

अच्छा सर आप तो एक सर हाँ। आप तो बहुत जागरूक एक पेशेवर उससे आते हैं हाँ। पेशे से क्या क्या सर मुद्दे हैं फरीदाबाद के जिनके आधार पर सबसे बड़े मुद्दे, मुद्दे ये हैं इवन पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में गांव है ना फरीदाबाद के शहर से अच्छे हैं गांव अच्छा। में भी कीचड़ नहीं है जैसे यहाँ के गाँव देख लो पल्ला देख लो सारण देख लो और देख लो जितने ये दोनों भाई गाँव के होंगे अपने हरियाणा के विलेज है ना यहाँ पर फरीदाबाद में बेसिक सुविधाएं बेसिक सुविधा यही है जो सिविल नहीं है। है। गलियों के ऊपर आप देख रहे हैं पूरी, पूरी है। गया। गया। ज्यादा फैक्ट्रियां है एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है और ऐसे में अगर ये लोग शिकायत कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है तो निश्चित तौर पर जो वोटिंग का पैटर्न है वो शहर का यही है कि जो स्थानीय मुद्दे है जो उनकी अपनी सुविधाएं हैं उसके

इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री जी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके अलावा बलवंत तक्षक जी हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से हैं वरिष्ठ पत्रकार बलवंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अब चूंकि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपसे बेटर ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर कौन बता पाएगा तो बलवंत जी इस बार हरियाणा से आवाज क्या आ रही है क्या लगता है इस बार हरियाणा का मूड भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है वहीं दस साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस ने इस बार इस ढंग से प्रचार किया है कि बहुमत हासिल कर ले और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब पूछा गया कि चुनाव में क्या रहेगा तो उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितनी सीटें होंगी लेकिन कहा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है और मुझे लगता है कि पिछले दस साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटा के और उस कुर्सी पर सिंह सैनी को बैठाया था मान के के जो जितने वोट होंगे वो भारत जनता पार्टी की झोली में आ जाएंगे लेकिन नायब सिंह सैनी साहब को बहुत कम वक्त मिला वो छप्पन दिन में बता रहे थे कि हमने इतने काम किए हैं जितने दस साल में हुडा साहब ने नहीं किए लेकिन बीच में साढ़े नौ साल में खट्टर साहब के कामकाज को उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो एंटी इनकम साढ़े नौ साल की थी वो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है ऐसे में ना खट्टर साहब का कहीं पोस्टर लगा ना उनको जनसभाओं में बुलाया गया ना प्रधानमंत्री मोदी की रैली में वो दिखाई दिए मतलब कुल मिला एक तरह से खट्टर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उनकी उपयोगिता को इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझा क्योंकि जैसे ही खट्टर साहब का मतदाताओं के सामने चेहरा जाता तो लोगों में नाराजगी बढ़ जाती थी और पार्टी हाईकमान के पास ये रिपोर्ट थी कि अगर खट्टर साहब के नेतृत्व में चुनाव किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आना आपने आपने कहा कि एंटी इनकमेंसी का बीजेपी को डर है आप हालांकि नतीजों के बाद ही पता चलेगा असल तस्वीर क्या है लेकिन जो आपका आकलन है वो क्या बताता है एज किस पार्टी को है इस चुनाव में कांग्रेस को एज है और दस, मैं आपको एक उदाहरण दे के बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में आज तक कोई भी पार्टी अगर तीसरी बार चुनाव मैदान में गई है तो सत्ता में नहीं लौटी है और हम हरियाणा 1966 में बना था उन्नीस में बंसी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने फिर बहत्तर में चुनाव हुआ तो भारी बहुमत से सत्ता में आए और सतहत्तर में चुनाव हुआ तो आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस को तीन सीटें आई थी सिर्फ और देवीलाल जी की सरकार बन गई थी 79 में चौधरी को डिच करके मुख्यमंत्री बने बयासी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस छत्तीस सीटें थी लेकिन जीडी तपासे राज्यपाल साहब ने देवीलाल जी से कहा हम आपको संडे को मुख्यमंत्री पद के ओस दिलाएंगे लेकिन शनिवार को ही भजन जी को ओस दिला के मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद बयासी में सतासी में जब कांग्रेस तीसरी बार मैदान में गई तो कांग्रेस को सिर्फ पांच सीटें आई और इसी तरह मैं हुडा साहब को उदाहरण दूंगा दो में भारी बहुमत के साथ सत्ता में आए दो में चालीस सीटें आई और बहुमत से पांच सीट दूर रह गए जोड़ तोड़ करके उन्हें सरकार बनानी पड़ी जी और तीसरी बार जब मैं चुनाव मैदान में जाने तो पंद्रह सीटें आई थी कांग्रेस को चलिए आता हूं बलवंत सर आपके पास मैं यहां पे संदीप जी का रुख करना चाहूंगा संदीप जी हरियाणा की जो ग्राउंड रिपोर्ट बलवंत सर बता रहे हैं कि एज कांग्रेस को है ये एज कितना बड़ा है ये बहुत ही अहम सवाल बलवंत जी ने उठाया जी। आ, दस साल की जो बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर है जी। और काफ़ी लोगों को लगता है कि चीफ मिनिस्टर चेंज काफ़ी लेट किया गया और नए मुख्यमंत्री को उतना समय नहीं दिया गया कि वो सेटल डाउन करें एज मुझे भी लगता है कि थोड़ा कांग्रेस की तरफ है लेकिन मैं बहुत जल्दी तीन छोटी बातों पे मैं एम्फोसाइज करूंगा जी पहली आज का मतदान का का परसेंटेज बहुत ही अहम रहेगा यहाँ अगर मतदान का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हुआ तो वो एक संकेत रहेगा कि लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं बात कर रहे हैं दूसरी बात जो बलवंत जी ने भी बताया हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में स्पष्ट फर्क मतदार दिखाता है पिछली बार भी हमने देखा 2004 में भी हमने देखा था सो इस बात को भी हमने ध्यान में रखना पड़ेगा और आखिरी दो बात एक जाति समीकरण जो हरियाणा में हमेशा देखते हम आ रहे हैं इस बार शायद वो समीकरण का रुख थोड़ा अलग रहेगा और आखिरी बात मुझे लगता है महिला का वोट और युवा का वोट बहुत ही अहम होगा इस चुनाव में काफी चुनाव हमने देखा है जहां महिलाओं का वोट ने काफी फर्क किया है और ये फैसला किया कि, कि किस पक्ष को बहुमत मिलेगा सो ये सभी पॉइंट्स को हम आज के चुनाव में देखेंगे उसके प्रभाव को देखें आपने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग वोटिंग पैटर्न की बात की है लेकिन एक छोटी सी बात हालांकि अब कोई इसके माय बहुत ज्यादा इसके वो नहीं है लेकिन लोग जोड़ते हैं चीजों को तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कहा जाता है कि हरियाणा में जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसकी राज्य में भी सरकार हो जाती है तो ये, ये कोई आधार है कि किसी बात को तो कहने का? देखिए ट्रेंड्स तो हमेशा होते हैं ट्रेंड्स हमेशा बदलते हैं जी कई बार ओल्ड ट्रेंड्स कंटिन्यू होते हैं कई बार ओल्ड ट्रेंड्स चेंज होते हैं